बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में पन्ना नंबर 87 पर नेहरू जी के एक अन्य पत्र का अंश है, यानी उन्होंने बच्चों के लिए खासकर पत्र लिखे हैं। इसी में का एक पत्र रीडिंग फॉर प्लेजर के लिए हमें पन्ना नंबर 87 पर जो लिखा पत्र है उसका अध्ययन करना है। कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसकी पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। यानी जिस प्रकार हमें भाषा सीखनी होती है, फिर उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी हो, उसी प्रकार प्रकृति, निसर्ग जो है, सृष्टि जो है, उसकी पत्थरों और चट्टानों की किताब भी पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। शायद आज भी अब भी तुम थोड़ा थोड़ा उसे पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यानी छोटा सा स्टोन, जिसे हम कहते हैं, नदी में वो निकलता है, रेती में निकलता है। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल चिकना और चमकीला हो गया? ये गोल कैसे चिकना और चमकीला हो गया? और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होता है। बड़ी चट्टान को यदि हम तोड़ते हैं ना, तो उसमें से हर एक टुकड़ा टुकड़ा चमकीला और खुरदरा नुकीला, यानी तेज तर्रार नुकीला निकलता है। ये गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होते। ये गोल हमेशा चिकने रोड़े की तरह तो बिल्कुल नहीं होते, नहीं होता। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला और गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता? फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला? मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो? अगर तुम्हारी आंखें देखे, कान सुने, तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वो तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे, वो तुमसे कहेगा, यदि उसी मुंह उसके मुंह से तुम कहानी सुनोगे तो, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे। उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे। आगे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, शायद यह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा हो। शायद यह बड़े किसी पहाड़ के दामन में, यानी गोदी में पड़ा हो। जब पानी आया, उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। जब पानी आता है तो उस वक्त उसे छोटी घाटी तक, यानी दरिया तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाली ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। वहाँ पहाड़ी नाली से निकल कर उसे छोटे दरिया में ढकेल दिया। उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वो बड़े दरिया में पहुँच गया। वो छोटे से दरिया से फिर क्या हुआ? बड़े दरिया में पहुँच गया। इस बीच वह दरिया के पेदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। बालू यानी रेती। अगर दरिया उसे आगे ले जाता तो वह छोटे छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से आ मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है। जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है समुद्र के किनारे, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और किनारे पर खेलते समय बालू के घरौंदे, यानी छोटे छोटे घर बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, यही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अगर एक एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें
बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है हमें कितनी बातें मालूम हो सकती है। जो हमारे पास जो है चारों ओर जो है पहाड़े कितनी बातें हमें सिखा सकते हैं, हमारी जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने एक पत्र का अंश अपने बच्चों के लिए लिखा। इसी पत्र का अंश हमने रीडिंग फॉर प्लेजर के माध्यम से आज देखा। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।